दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जो फोटोज वगैरह शेयर करते हैं, अगर उन फोटोज पे आप अपनी पसंद का कोई गाना लगाना चाहते हैं, कोई सॉन्ग लगाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि आपके फ्रेंड वगैरह अपने स्टेटस पे कोई फोटो लगाते हैं, आप उन्हें प्ले करते हैं तो वहाँ पे आपको सॉन्ग सुनाई देता है। तो इसी तरह से अगर आप भी जो फोटो अपने स्टेटस में लगाते हैं उन पर आप अपनी पसंद का गाना ऐड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसी का प्रोसेस आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर फोटो के साथ सॉन्ग किस तरह से ऐड किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो फोटोज वगैरह लगाते हैं, अगर उनमें आप अपनी पसंद का कोई गाना लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड आपको जो नेक्स्ट का बटन मिलता है आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है, अगेन आपको नेक्स्ट पर टैप करना है, इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको ऊपर की साइड जो क्लोज का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपसे परमिशन मांगेगा तो परमिशन आपको अलाउ कर देना है। अब इसके बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं सबसे बॉटम पर आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जस्ट वन फोटो और वीडियो, आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के बिल्कुल बीच में आपको अगेन एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। जैसे प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे तो आपके फोन की गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब फोन की गैलरी ओपन होने के बाद यहाँ से आपको एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने स्टेटस पर लगाना चाहते हैं, यानी कि व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करना चाहते हैं और उसमें अपनी पसंद का कोई फोटो आप लगाना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि यहाँ से मैं किसी एक फोटो को आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए जैसे कि मैं इस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं म्यूजिक का, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे, यानी कि काफ़ी सारे सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी सॉन्ग्स आपको देखने को मिलेंगे सब आपको इंग्लिश मिलेंगे, आपको इसको यूज नहीं करना है क्योंकि आप हिंदी सॉन्ग यूज करना चाहते हैं। तो हिंदी सॉन्ग आप यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, ऊपर की साइड आप देख सकते हैं ग्लोबल 100 के बगल में आपको इंपोर्टेड ऑप्शन मिलेगा, इसके जस्ट बगल में आपको योर लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली योर लाइब्रेरी पे चले जाना है। अब जैसे योर लाइब्रेरी पे जाते हैं तो आपके फोन में यानी कि आपके मोबाइल में आपके फाइल मैनेजर में जितने भी सॉन्ग आपने डाउनलोड करके रखे होंगे उन सबकी लिस्ट आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है। तो यहां से आपको उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना जिस सॉन्ग को आप अपने इस फोटो पे ऐड करना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए यहां से मैं गाना आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। चलिए जैसे कि मैं इस वाले म्यूजिक को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो भी ऐड करना है उसके सामने आपको जो प्लस का आइकन मिलता है आपको सिंपली प्लस पे टैप करना है, और प्लस पे टैप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसका म्यूजिक यहां से मैंने इसका वॉल्यूम यहाँ पे कम कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गाना यहाँ पे आ चुका है। अब अपने गाने की जोन सी कड़ी या जो पार्ट भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं अपने फोटो पे उसको आप इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपकी वही कड़ी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आप इसको जिस जगह पे भी सेट करना चाहते हैं उस जगह पे इस तरह से सेट कर दीजिए। और सेट करने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे टॉप पे आपको एक शेयर का बटन मिलेगा, आपको सिंपली शेयर वाले बटन पे टैप करना है। अब जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे बोल रहा है कि आप इसे परचेज कीजिए, तो हमें इस एप्लीकेशन को परचेज नहीं करना है। नीचे की साइड आप देख सकते हैं बॉटम पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्री एक्सपोर्ट वॉचिंग एन एड, यानी कि अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक एड देखना होगा और उसके बाद अपना वीडियो जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसको आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक एड देख लेते हैं, इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड ओपन हो चुका है, तो एड को आपको यहाँ पे पूरा वॉच कर लेना है। तो चलिए इस एड को यहाँ पे कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एड को पूरा वॉच कर लिया है। एड वॉच करने के बाद आपको इस तरह के ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड बॉटम पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला सेव इन फोन, आपको इस पर टैप करना है। और जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपकी गैलरी में आपका सॉन्ग यहाँ पे यानी कि आपका स्टेटस जो आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलिए यहाँ से बैक ले लेते हैं। अब बैक लेने के बाद चलिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, अपनी गैलरी में चलते हैं, चलिए लाइब्रेरी में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वही सॉन्ग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चलिए मैं इसको प्ले भी करके आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैं इसको थोड़ा सा साउंड को ओपन कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फोटो पे यहाँ पे सॉन्ग लग चुका है। अब इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है, अपने स्टेटस वाले सेक्शन में जाना और यहाँ से अब आपको इसको सिलेक्ट कर लेना अपनी गैलरी से और आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सअप पर जो कुछ भी फोटोज वगैरह शेयर करते हैं उसमें अगर अपनी पसंद का गाना एड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।